तो डिस्कस करते हैं हमारी स्ट्रेटेजी। लास्ट डे क्या होनी चाहिए, जस्ट द डे बिफोर द एग्ज़ाम्स। ये जो अटेम्प्ट होगा हमारे ऑडिट के पेपर का, वो सेकेंड अटेम्प्ट होगा एमसीक्यू बेस्ड पेपर का। सो थोड़ा सा और टेक्निकल हो जाएगा एमसीक्यू, और इन डेप्थ हो जाएगा उम्मीद है। दूसरा, ये फर्स्ट अटेम्प्ट है आफ्टर रिडक्शन ऑफ द सिलेबस। इसका बेनिफिट भी है, थोड़ा घाटा भी है। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, मैं फटाफट से आपके वो सारे एलिमेंट डिस्कस करता हूँ। हमारा जो पेपर पैटर्न है, ये मैं ऑलरेडी इसके पे ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, क्या पेपर पैटर्न है, एमसीक्यू डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। यहाँ पे मैं बस यही डिस्कस करना चाहूँगा। एक क्वेश्चन जनरली आता है कि पहले एमसीक्यू अटेम्प्ट करें या डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी कर सकता है, बट अगर मेरा ओपिनियन पूछो तो मेरे हिसाब से जब आपको शुरू में 15 मिनट मिलते हैं तो उसमें कोशिश करो जो एमसीक्यू है उसमें, शॉर्ट शॉर्ट बता रहा हूँ, 6 से 7 ऐसे एमसीक्यू होंगे, 6 7 8 ऐसे एमसीक्यू होंगे जो स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, जहाँ पे हो सकता है हम आराम से 10 12 नंबर के लगभग कैप्चर कर जाएँ, नंबर लेके आ जाएँ। पहले उनको आइडेंटिफाई कर लो। और कितनी बार ये भी होता है जब हम फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं तो उस क्वेश्चन को क्रैक नहीं करते, बट बैक ऑफ द माइंड हमारे वो क्वेश्चन प्रोसेस होता रहता है। तो जब एंड में जाते जाते जब आप पहुँचोगे, जब दोबारा से उसको फटाफट से पढ़ोगे तो आपको कहीं ना कहीं वो आंसर्स निकल के आ जाते हैं। तो पहले तो कोशिश करो वो सिंपल सिंपल वाले 6 7 8 जो भी एमसीक्यू वो आइडेंटिफाई कर लो, ताकि हमारे 10 12 नंबर तो सिक्योर हो गए। दैट इज़ माई अप्रोच। दो, कितने टीचर्स ये भी सजेस्ट करते हैं एमसीक्यू लास्ट में करने चाहिए, ये फिर आप अपने हिसाब से सोच लेना। मैंने आपको रीज़न बता दिया है कि आपको पहले क्या करना चाहिए। अब डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में इस बार मैंने चेंज कर दिया, पी स्टैंडर्ड एंड अदर टॉपिक। पहले मैं क्या बोलता था कि कारो कंपनी ऑडिट या ऑडिट ऑफ लिमिटेड कंपनी को हम एम्फेसाइज करते थे, बट अब क्योंकि स्पेशल ऑडिट असाइनमेंट हट गया है तो काफ़ी सारी जो मार्किंग जो क्वेश्चन पूछने का पैटर्न है वो कुछ और चैप्टरों पे शिफ्ट हो जाएगा, जहाँ तक उम्मीद है। इस बार के अगर आप मॉक टेस्ट पेपर को भी देखो, आरटीपी देखो, तो एक आइडियाज़ बेसिकली निकल के आती है। तो अब हम हमारे पास अराउंड 24 से 25 घंटे हैं। जिस दिन आप आओगे उस दिन 5 6 घंटे 5 1 घंटे पढ़े, नेक्स्ट दिन आप 15 घंटे पढ़े, और फिर आप एग्ज़ाम वाले दिन 5 घंटे पढ़े। ये मानते हुए मैंने ये 25 घंटे 24 25 घंटे की प्लॉटिंग करी हुई है। मेरा सजेशन ये, दो इट कैन वेरी ऑल्सो डिपेंडिंग अपॉन स्टूडेंट टू स्टूडेंट, कि जब आप SFM का पेपर दे के आओगे तो थके हुए होते हैं जनरली स्टूडेंट, शुरू शुरू में स्पीड नहीं बढ़ती, स्पीड ही नहीं होती, तो उस समय बेटर एक आसान सा टॉपिक उठाए ताकि वो रिदम डेवलप हो जाए। तो आसान सा टॉपिक जैसे प्रोफेशनल एथिक्स, हम बड़े अच्छे लेवल पे क्लास में करते भी हैं, इतनी प्रैक्टिस भी करते हैं, वो उठा ले, तब तक आपका रिदम डेवलप हो जाए फर्दर टॉपिक में। तो मेरे हिसाब से जो day 0 है उसके अंदर प्रोफेशनल एथिक्स, और आप ये स्टैंडर्ड लगभग अगर हो सकता है तो ऐसे 200 की सीरीज तक को फुलफिल करने की कोशिश करो। नेक्स्ट दिन जब आप सुबह उठते हो तो आप जो 300 की सीरीज है वो टेक्निकल सीरीज है, इसको उठा लो, और 500 की उठा लो। एक साथ इतनी सारी सीरीज करने में प्रॉब्लम होती है, 500 की सीरीज उठा लो एक साथ, अगर प्रॉब्लम होती है तो सुबह उठ के नेक्स्ट दिन 300 और 500 को ख़त्म करके फिर उसके बाद में कुछ एक चैप्टर उठा लो। और ये कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो पहले स्टैंडर्ड ख़त्म करना चाहते हैं फिर ये चैप्टर उठाना चाहते हैं, वो वैसे उठा सकते हैं। मैंने उसके अगेंस्ट पैरेलल आवर्स भी प्लॉट कर दिया, क्योंकि ऐसे 800 के बाद सारे ये स्टैंडर्ड हट गए। अब एग्जामिनर कुछ तो टेक्निकल रखेगा, तो SQC1 को मेरे हिसाब से इस बार ड्यू वेटेज देना, क्योंकि जनरली ये स्टूडेंट छोड़ के चला जाता है। और ऐसे 300 की सीरीज के साथ साथ जो ये दोनों चैप्टर है, ये लास्ट 2 3 अटेम्प्ट से फोकस नहीं करके पूछे जा रहे, अब हो सकता है चांसेस है इनके भी आने के। ऑडिट प्लानिंग स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूशन एंड रिस्क असेसमेंट इंटरनल कंट्रोल, सॉक्स तो सिर्फ ओल्ड कोर्स का है, ठीक है, तो इनके साथ ये चैप्टर करोगे तो और आराम से ये हो जाएंगे। इनको मोस्ट प्रॉब्लम इनके चांसेस है, हो सकता है एग्जामिनर इनको कवर कर पूछना चाहे। फर्दर 600 के सीरीज के साथ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट साथ में आप जरूर करना।
तो मैंने लगभग दो चार, अगर आप देखो, 2, 4.5, 6.5, 7, 8, 9, 9.5 घंटे के लगभग स्टैंडर्ड को दिए। इसके साथ साथ क्वेश्चन आंसर भी हमारे लगभग 140 150 के लगभग जो भी क्वेश्चंस है उसमें जो आपने ए कैटेगरी के क्वेश्चन मार्क करें वो भी साथ में कवर कर लेना उसके साथ साथ, ठीक है। हो सकता है उसमें 1-1.5 घंटे और भी लग जाए। चैप्टर वाइज अगर बात करें हम, तो ये टाइमलाइन आप प्लॉट कर सकते हो अपने उसके अंदर, ठीक है। अब चैप्टर वाइज अगर हम बात करें, तो अगर आप देखो, क्योंकि स्पेशल ऑडिट असाइनमेंट हट गया, इसी कारण अब ये ऑडिट ऑफ लिमिटेड कंपनी हमेशा ही ए कैटेगरी का चैप्टर होता था। अब जो स्पेशल ऑडिट असाइनमेंट हटा, इसके कारण मुझे लगता है कि इन इन चैप्टरों की इंपॉर्टेंस, ड्यू वेटेज बढ़ जाएगी कॉर्पोरेट गवर्नेंस, और वो इनडेप्थ पूछेगा कॉर्पोरेट गवर्नेंस में। इस बार का इवन आरटीपी का भी क्वेश्चन देखो कितना इनडेप्थ पूछा गया है उसके अंदर। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस, पीयर रिव्यू, इवन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के भी चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो स्पेशल ऑडिट असाइनमेंट के शिफ्ट होंगे लगभग 12 नंबर का आ जाता था, 8 से 12 नंबर, वो इन चैप्टर में पहले जैसे पब्लिक सेक्टर कंपनी पूछे या ना पूछे ऐसे वाला होता था, बट इनसे पूछना चाहिए। एनबीएससी हमारा हमेशा इंपॉर्टेंट रहता ही था, इससे क्वेश्चन आता ही था। ओल्ड कोर्स में सीएस इन्वायरमेंट, न्यू कोर्स में ऑडिट ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। इस बार मैं एबीसी कैटेगराइज नहीं कर रहा, बट हाँ, सिर्फ एक टॉपिक तो बैंक ऑडिट, जिसको मैं कहूंगा सी कैटेगरी, लास्ट में करना, क्योंकि अगर आप इसको करने बैठे तो इसकी जगह हो सकता है 3-4 चैप्टर इंपैक्ट कर जाए। तो लास्ट में अगर टाइम बचे तब आप बैंक ऑडिट वाले चैप्टर को कवर करने की कोशिश करना, या ओल्ड कोर्स के लिए कॉस्ट ऑडिट को कवर करने की कोशिश करना। बाकी क्योंकि एक तो एमसीक्यू बेस्ड पेपर हो गया है और सिलेबस इतना रिफाइंड हो चुका है, इस कारण सब चैप्टरों से चांसेस है पूछे जाने के क्वेश्चन के। एक एक क्वेश्चन रहेगा, वो ड्यू कवरेज एग्जामिनर सब चैप्टर से कवर करने की कोशिश करेगा। एक और कैवियट जरूर देना चाहूँगा विथ रेस्पेक्ट टू फिस्कल लॉ, इससे क्वेश्चन आता ही आता है, बट मैं हमेशा स्टूडेंट को कहता हूँ, जो आप बैठ के वहाँ पे एक एक क्लॉज नंबर टैक्स ऑडिट के या जीएसटी के जो रिटर्न के, मत टाइम वेस्ट करना। दो क्वेश्चन मैक्सिमम जनरली जैसे आ सकते हैं, अगर आते हैं एक क्वेश्चन क्लॉज वाला आया तो वो आपने अगर सेकंड ग्रुप साथ में तैयार किया तो फिर भी टैकल हो जाएगा, अदरवाइज वो 4 नंबर के चक्कर में इतने सारे क्लॉज जीएसटी के भी टैक्स ऑडिट के करने के चक्कर में आप हो सकता है उसकी एवरेज में 4-5 चैप्टर कर लो, वो ज़्यादा बेटर है। तो आप फिस्कल लॉ का जो चैप्टर है, वो जो जनरल प्रोविजन है टैक्स ऑडिट के और आपके जो जीएसटी के जनरल प्रोविजन है वो कर करना। अगर 2 क्वेश्चन आते हैं या 3 क्वेश्चन आते हैं तो श्योर शॉर्ट 2 हो सकता है, तो वो जनरल प्रोविजन आ जाएंगे। जनरल प्रोविजन में आपको हार्डली 1/2 आवर लगेगा, ठीक है। सो दिस इज द टाइमलाइन विच आई हैव प्लॉटेड। सो आप क्लियर कट अप्रोच डेवलप कर लो, एक डे 0 जिस दिन आप आए एसएफएम पेपर में, दूसरा डे 1, और फिर उसके बाद में एग्जाम डे पे आप क्या स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करोगे। डे 0 मैंने बोला प्रोफेशनल एथिक्स आप अडॉप्ट उठा लो और स्टैंडर्ड कुछ उठा लो। डे 1 में फिर बैलेंस स्टैंडर्ड उठा लो और अदर टॉपिक उठा लो, और एग्जाम वाले डे में फिर अगर कुछ स्टैंडर्ड बचे हैं तो वो कवर कर लो। क्वेश्चन आंसर भी यहाँ पे करना चाहो तो यहाँ कर सकते हो। बिफोर गोइंग टू एग्जाम्स एक बार पी के सारे क्लॉजेस नंबर, कंपनी ऑडिट के सेक्शन नंबर, ये आपको आने चाहिए, और स्टैंडर्ड्स के नंबर, ये अगर आपके आते हैं आपके 7-8 नंबर, तो इसकी सिर्फ साइटेशन के मिल जाएंगे आपको। तो एग्जाम में जस्ट जाने से पहले एक बार फिर से रिकैप कर लें, ये लास्ट के जो भी आधे घंटे 30-40 मिनट जो भी हो ये जरूर कर लें, ठीक है। प्रेजेंटेशन टेक्निक हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस करी है, उसको जरूर अडॉप्ट करना। पीई की भी मैंने अपलोड करी हुई है, वो देखना चाहो तो देख सकते हो आप। सो विशिंग यू बेस्ट ऑफ लक।